एक ऐसी लड़की जो पत्थर और ईंट खाती है, लेकिन क्यों? उत्तर प्रदेश के सरकारी डिपार्टमेंट ने किया ऐसा काम जिसे देखकर आप दीवार पर सर मारने लगेंगे। ये इंसान लड़का नहीं लड़की है। जानेंगे वीडियो के लास्ट में पूरी कहानी। नंबर 9, लोहे की चने चबाना तो सुना था, लेकिन लोग सचमुच के पत्थर भी खाते हैं ये नहीं पता था। फिर 30 साल की पेट्रिस को देखा और यकीन आ गया कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। साउथ लंदन में रहने वाली पेट्रिस को एक बीमारी है और इसका नाम है पीका। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खाने की चीजों को छोड़कर सब कुछ खाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। पेट्रिस दीवार के प्लास्टर से लेकर ईंट, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी से लेकर कागज और लगभग वो सभी चीजें जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रही है, शौक से खाती है। और ये काम वो पिछले 18 सालों से बराबर कर रही है, जबकि इनके पति देव इन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इनकी क्रेविंग और इनके लिए उनकी मोहब्बत के आगे वो पेट्रिस को रोकने के बजाय खुद को रोक लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की भी फिक्र सताती है कि इतने सालों में कई टन कचरा खाया है वो, आप उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन पेट्रिस की इस क्रेविंग के आगे वो क्या खुद डॉक्टर्स भी लाचार है। नंबर 8, क्या आपने कभी 2 सीटों वाला टॉयलेट देखा है? नहीं ना। साल 2020 ही नहीं, साल 2021 भी अतरंगी है, जिसमें आपको 2 सीट वाला टॉयलेट देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इसे सचमुच से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपी के बस्ती जाना होगा। जितनी कमाल की ये वीडियो है उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली वो वजह है जिसके कारण ये अनोखा टॉयलेट तैयार किया गया है। इलाके के डेवलपमेंट अफसर ने बताया कि इस तरह की टॉयलेट का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों को अकेले टॉयलेट जाने से डर लगता है, तो उन्हें डर ना लगे और उन्हें कंपनी देने के लिए कोई उनके साथ जा सके, इसलिए कुछ इस तरह के टॉयलेट का निर्माण किया गया है। नंबर 7, आपने कंगारू को अपने बच्चे को पेट में बने बैग में रखकर बड़े करते तो देखा होगा। आज हम एक ऐसी मछली की बात करने जा रहे हैं जो अपने बच्चों को कंगारू की तरह बड़े करती है, पर इसके लिए ये मछली अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। इस मछली का नाम है साइफो तिलापिया फ्यूचोसा। ईस्ट अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली अपने अंडों को अपने मुंह में इकट्ठा करती है, जहां मेल फिश इन्हें फर्टिलाइज करता है, और ये इन्हें तब तक मुंह में रखती है जब तक अंडों से बच्चे बाहर न आ जाए। नंबर 6, कहते हैं कि दुर्योधन न होता तो महाभारत न होती। हिंदू धर्म के इतिहास में कोई सबसे बड़ा खलनायक अगर है तो वो शायद दुर्योधन ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खलनायक का भी एक मंदिर है, और वो भी देवों की भूमि पर? जी हाँ, उत्तराखंड के ओसला में मौजूद जाखोल गांव में दुर्योधन के नाम का भी मंदिर है। इसकी मेन खासियत ये है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो दुर्योधन को समर्पित है, और इससे ये क्लियर है कि इस इलाके के लिए दुर्योधन खलनायक नहीं बल्कि एक नायक है। वह दुर्योधन को हीरो मानने के पीछे इस गांव के लोगों के पास एक वजह है। माना जाता है कि इनके पूर्वज महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन की तरफ से लड़े थे और इन पर दुर्योधन ने कई उपकार भी किए हैं। इनके पूर्वजों का भरण पोषण से लेकर हर चीज का ख्याल दुर्योधन ही रखता था, तो जहां दुनिया भर के लिए दुर्योधन एक खलनायक है, इस गांव के लिए एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श शिष्य और स्वाभाविक ही कर्ण की मदद करने वाला एक आदर्श दोस्त भी। और ऐसे आदर्श व्यक्ति की पूजा करना इनके लिए स्वाभाविक है। नंबर 5, बड़े बाड़ों में पशुओं को चारा डालने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में बाड़ों के मालिकों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर हार्टमैन GmbH नाम की मशीन इस काम को काफी आसानी से कर लेती है। जब इस मशीन के मेन बॉक्स में चारे को डाला जाता है तो ये चारा काफी बारीक कट जाता है, और फिर कुछ इस तरीके से ये मशीन इस कटे हुए चारे को पशुओं के सामने डाल देती है। नंबर 4, कई बार इंसान और जानवरों के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं, और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको इस फोटो में दिख जाएगा। ईरान के एक हॉस्पिटल में क्लिक की गई फोटो में एक कबूतर एक बीमार बुजुर्ग के पैर पर बैठा हुआ है। इस फोटो को क्लिक करने वाली नर्स ने बताया कि ये बुजुर्ग 2 दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट था, पर कोई इससे मिलने नहीं आया, पर एक कबूतर रोज इस बुजुर्ग के पास आता और कुछ टाइम इसके पैर पर बैठता, फिर उड़ जाता। बाद में पता चला कि ये बुजुर्ग व्यक्ति पास के एक पार्क में इस कबूतर को दाने डालता था। नंबर 3, मोबाइल चिपसेट बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने कुछ ऐसा बनाया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है XR1 स्मार्ट व्यूअर, एक चश्मा जो चश्मा नहीं है क्योंकि ये ऑग्मेंटेड रियलिटी ग्लास है। आसान भाषा में बोले तो आपकी आंखों के सामने मौजूद एक स्क्रीन जो दिखने में केवल चश्मा है, लेकिन असल में एक वर्चुअल स्क्रीन, ऐसे मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है जिसके बाद आपकी डिवाइस बिना हाथ लगाए इशारों से चलेगी, और वो भी उंगली के नहीं बल्कि आँख के। फोटोज देखना हो या फिल्म, इस चश्मे को पहनिए और शुरू हो जाइए। मतलब साफ है कि अभी तक तो कॉलिंग ही हैंड फ्री थी, इसके बाद तो गेमिंग भी आँख के इशारे से खेली जाएगी,
कंपनी का कहना है कि यह स्मार्ट व्यूअर गैजेट की दुनिया में क्रांति लाने वाला है और इसकी लॉन्चिंग इसी साल अगस्त तक की जाएगी। तो दोस्तों आपको ये गैजेट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, सीवर लाइंस बिछाने के लिए आमतौर पर जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसे में मजदूरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और मजदूरों की मेहनत को कम करने के लिए डिजाइन की गई है ये रोवर लेगेट्रॉन मशीन। ये मशीन अपनी चौंक जैसे फुक से पाइप को सीधा उस जगह रख देती है जहाँ उसका पिछला सिरा होना चाहिए। ऐसे में मजदूरों को पाइप को फिक्स करने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी मशीन के मुकाबले इस मशीन के इस्तेमाल से ये काम काफी जल्दी भी हो जाता है। नंबर 1, ये है आर्यन पाशा। क्या आप सोच सकते हैं कि बचपन में इस गबरू जवान को बच्चे परेशान करते थे, लेकिन क्या हो अगर वही बच्चा आज इन्हें फिर से बुली करने का सोचे। इनका मुक्का और इनकी बत्ती से, मुक्का पड़ते ही बत्ती से बाहर आ जाएगी। सही कहा ना दोस्तों, आर्यन के बारे में शॉकिंग फैक्ट है और वो ये कि ये ट्रांसजेंडर है। जहाँ आर्यन एक लड़की पैदा हुए थे, लेकिन उनका झुकाव लड़कों की तरफ ज्यादा था, मतलब लड़का बनना और उनकी तरह रहना आर्यन को पसंद था और इसीलिए बच्चे उन्हें परेशान करते थे, इतना कि उन्हें स्कूल ही छोड़नी पड़ गई। लेकिन जैसे ही आर्यन जो कभी नायला हुआ करते थे, 15 साल की उम्र में पहुँचते ही इनकी बॉडी ने करवट बदल ली और ये ट्रांजिशन इतनी तेजी से हुआ कि महज 2 ही साल में ये बच्चा नायला से आर्यन और आर्यन से देश का पहला ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर बन गया। और इस सब के पीछे है उनकी लगन, मेहनत और हिम्मत, जिसके दम पर ये उस कंडीशन से बाहर आए जो शायद इन्हें खत्म ही कर देती। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।